पढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की जान बचाने के लिए मंत्री जी ने खुद ब्लड डोनेट किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने पेश की मानवता की मिसाल, मरीज की जान बचाने के लिए दिया अपना खून। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। एमजीएम अस्पताल में भर्ती एक मरीज को खून की जरूरत पड़ी तो मंत्री जी खुद आ गए और मरीज के लिए खुद खून दिया। मंत्री जी को बोला हम 3 बोतल खून दे दिया, अभी मेरा पास पैसा भी नहीं है और कोई डोनेट करने का भी लोग नहीं है, तो मंत्री जी दे रहा है ब्लड। हाँ, भाई कैसे बढ़कर है। ब्लड की जो बात है वो एक बहन हमारे पास आई थी, मैं जब वहाँ कार्यक्रम में था तो उस बहन ने मुझे कहा कि 3 बोतल खून हम ले चुके हैं, ना अब हमारे पास पैसा है और ना मेरे पास कोई आदमी है जो 1 बोतल खून देगा। तो मैंने कहा तुम्हारा भाई है और हमारी बहन यदि हमसे 1 बोतल के 4 बोतल भी खून मांगे तो हम देंगे, तो वही बहन के लिए आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ किया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्लड बैंक का निरीक्षण करने निकले, लेकिन इसी दौरान पोटका की एक महिला ने स्वास्थ्य मंत्री से खून के लिए गुहार लगाई। महिला का पति अस्पताल में भर्ती है, उसे 3 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों ने 1 और यूनिट ब्लड की डिमांड की थी, लेकिन महिला के पास न पैसे थे न ही कोई डोनर था। ऐसे में महिला ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवता दिखाते हुए महिला के पति के लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एमजीएम में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने में सरकार जुटी है। एमजीएम अस्पताल लगातार जो है सुधार की दिशा में काम कर रहा है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो काफी दिल से काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पहले से व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आपको दिखता होगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि परिवर्तन की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्दी एमजीएम अस्पताल में 750 बेड का अस्पताल भवन बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें करीब 400 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मौके पर मंत्री जी ने मानवता की मिसाल पेश कर लोगों को बड़ा संदेश दिया। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।